हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी में। तो इस हफ्ते शुक्रवार मैं वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ा घर की परिस्थिति इस तरह की थी कि मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो घर की परिस्थिति आप समझते ही हैं कि ऐसी परिस्थिति बन जाए तो आप अपना वर्क नहीं कर पाते, तो इस वजह से मैं अपना वर्क नहीं कर पाया। तो अब मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपनी अनबॉक्स वीडियो के साथ, और इस बार मैं लाया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30s। जी हाँ, काफ़ी फेमस फ़ोन है और ये अभी अमेज़ॉन पर रिटेल हो रहा है 14,000 रुपीज़ में, और मैंने इसे ऑफ़र में परचेज़ किया दिवाली ऑफ़र में, और ये अच्छे प्राइस पर मुझे मिला है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, आप देख सकते हैं, और इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा आपको, और कोशिश करूँगा इसकी रिव्यू वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ। तो देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो ये है इसका बॉक्स नहीं, एक रैपर है, और लिखा हुआ है प्लीज़ चेक फॉर द फॉलोइंग बिफोर एक्सेप्टिंग द पैकेज। यस, प्लीज़ चेक फॉर द फॉलोइंग बिफोर एक्सेप्टिंग द पैकेज। यस, इसको एक्सेप्ट करने से पहले अमेज़ॉन जो आपको जिसने डिलीवरी किया है डिलीवरी बॉय से एक्सेप्ट करने से पहले इसे अच्छी तरह रीड कर लें, इंस्ट्रक्शन देख लें, और ये भी इसमें दिया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिटेल कुछ दी हुई है। तो एक रैपर में रैप किया हुआ है, ये अजीब सी एक झिल्ली निकली है हाथ में इसमें अंदर से, देख सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका पैक। अब मैं निकाल रहा हूँ फ़ोन बाहर, ये है गैलेक्सी M30s। जी हाँ, 6000 mAh बैटरी वाला फ़ोन। जी हाँ, 6000 mAh वाला बैटरी वाला फ़ोन। और ये है इसका बिल, ये अजीब से इंक का इस्तेमाल करता है अमेज़ॉन, इस पर 13999 प्रिंट है इस पर। तो ये रहा डब्बा, देखिए इसका बॉक्स इस तरह से है, वाइट में है पूरा, पूरी सैमसंग का टिपिकल जो सैमसंग का बॉक्स होता है, पीछे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं वॉश करके। बाकी सैमसंग का फेमस फ़ोन है ये बहुत ही, तो इसे मैंने ऑफ़र में परचेज़ किया है, ब्लू कलर है, M30s 4GB 64GB मॉडल है। तो अब मैं इसे कट कर रहा हूँ, देखिए इसकी सील को मैं कट कर रहा हूँ, ये मैंने डब्बा खोल दिया है, ये देखिए सबसे ऊपर आपको फ़ोन मिलता है, और उसके ऊपर आपको एक लीफलेट है सैमसंग का, एक छोटा सा कार्टून बॉक्स टाइप का है, इसे मैं अंदर से खोलता हूँ, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। इसके ऊपर सिम इजेक्टर टूल एक लगा हुआ है, देखिए ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और इसके बाद आपको अंदर कुछ पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं, उसका खास कोई मतलब होता नहीं है, बाकी ठीक है चलिए। और इसके अंदर आपको सॉफ्ट केस नहीं मिलता है ना, इसमें सॉफ्ट केस आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, सॉफ्ट केस इसमें नहीं मिलेगा, सॉफ्ट केस आपको बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा। साथ ही सिम आपका जो डिस्प्ले के लिए जो प्रोटेक्टर ग्लास होता है वो भी इस पर नहीं लगा हुआ है। तो ये रहा फ़ोन, ब्लू कलर में है, देखिए पीछे का पैटर्न कुछ इस तरह का है। ये है इसका चार्जर, चार्जर आपको 10 वॉट का मिलता है, फास्ट चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है, हालांकि ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है पर बॉक्स में आपको नहीं मिलता है। ये देखिए इस तरह से है चार्जर, और ये रहा आपका USB टाइप सी केबल। जी हाँ, टाइप सी केबल है इसमें, ये है टाइप सी केबल आपका, केबल की लेंथ ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, टाइप सी केबल है ये, देखिए केबल की क्वालिटी अच्छी लगती है, अच्छी थिक केबल है, थिक केबल है ये इस तरह से देखिए। जी हाँ, और कुछ बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, बस केबल, आपको चार्जिंग अडैप्टर और फ़ोन, साथ में कुछ पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह। तो ये रहा आपका फ़ोन, ब्लू कलर में इस तरह से दिखता है ये, देखिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक का रैप किया हुआ है, उस रैपर को मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए। बॉक्स में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यही दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, साथ में फ़ोन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू। इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेगी, तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।